जरा आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कल होने वाले हैं और जैसे जैसे इंतजार हो रहा है वैसे वैसे ये घड़ी जो है ये बता रही है कि बहुत जल्द सुबह के टाइम मतदान शुरू होगा। मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त की गई है, तैयारियां जोरों से चल रही हैं। राज्य में कई सारे मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जो मतदान है वो कल होने हैं, एक ही चरण के अंदर ये मतदान संपन्न होंगे। सभी 90 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान होगा, शाम 6 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया होगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि मतदान की प्रक्रिया जब चलेगी तो क्या शांति व्यवस्था या सुरक्षा, जिस तरह से जो चीज़ें देखने को मिलती हैं चुनाव के भीतर, क्या वो चीज़ें सजग रूप से शांतिपूर्ण तरीके से सकुशल ढंग से संपन्न हो जाएंगी या नहीं। उस बीच राजनीतिक पार्टियां भी इन चुनावों को जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। पिछले कई दिनों से प्रचार प्रसार के जब सिलसिला शुरू हुआ था उस समय से लेकर कल तक, कल शाम तक जब प्रचार प्रसार थम गया तब तक सभी ने इस पर जोर लगाया है। संदीप गोयल फिलहाल हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, हमारे सहयोगी हैं और जो पूरी नजर इस वक्त हरियाणा के चुनाव पर बनाए हुए हैं। संदीप, हरियाणा के चुनाव को बहुत करीब से आप देख रहे हैं और पिछले कई दिनों से प्रचार प्रसार का जब सिलसिला शुरू हुआ था उस समय से आप लगातार कवरेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, आंक रहे हैं लोगों को, लोगों की वो बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं। क्या चीज़ें अभी तक ऑब्जर्व हो पा रही हैं, क्या आकलन हो पा रहा है हरियाणा के चुनाव के और साथ ही साथ कल की तैयारियां किस तरह से हो रही हैं? बिल्कुल शीतल, देखिए कल चुनाव है और इस चुनाव का 5 साल से इंतजार जो है उम्मीदवारों को होता है, पार्टियों को होता है, और वही दिन कल होगा कि कैसे जो है उनके समर्थन में, उनके हक में जो है वोट पड़े, इसी की तैयारी जो है पिछले समय से राजनीतिक पार्टियां कर रही थी। हालांकि अब चुनाव आयोग की बारी है और चुनाव आयोग कल पूरी तरह से मैदान में होगा। 7 तारीख सुबह 7 बजे जो है मतदान शुरू हो जाएगा और उसके लिए जो चुनाव आयोग की तैयारियां वो लगभग पूरी हो गई है। ईवीएम चेक होने से लेकर तमाम चीजें जो है केंद्रों तक पहुंचने लगी है और अब सुबह जब मतदान शुरू होगा, ज्यादा से ज्यादा कैसे मतदान कराया जा सके, ये एक जो है इस बार चुनौती चुनाव आयोग के सामने है। क्योंकि लगातार हरियाणा में जो वोट प्रतिशत है, जो वोट है वो कम पड़ रहे हैं, जो इसका जो संख्या है वो करीब 45 से 55 जा पहुंची है। ऐसे में इसको बढ़ाना कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए चुनौतीपूर्ण है और इसको 70 तक लेकर जाए ये एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी की तैयारी चुनाव आयोग ने की है। हम पिछले समय बात कर रहे थे कि कैसे इस बार जो मतदान केंद्र है उनकी संख्या बढ़ाई गई है और सबसे ज्यादा फरीदाबाद में इसकी संख्या बढ़ाई गई है ताकि हर लोग जो है बढ़ चढ़कर आसानी से मतदान करने अपने केंद्रों पर जा पहुंचे। बिल्कुल, जिस तरह से आपने तैयारियों की बात की, तैयारियां तो हो रही हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहता है कि मतदान प्रतिशत बढ़े। राजनीतिक पार्टियों की बात करें या फिर लोगों की बात करें, जो एक कॉन्टैक्ट पिछले सालों से रहा है या सरकारों का जो आम लोगों के साथ रहता है, इस बार के मुद्दे लोगों के क्या रहेंगे, क्या हैं, किन मुद्दों के साथ वोट करने जाएंगे, क्या जिन पर सबसे ज्यादा चर्चाएं आसपास में हो रही थी? देखिए, दोनों राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग मुद्दे हैं। हालांकि तीसरी पार्टी अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से हरियाणा में जो है अपना प्रचार तेज किया और अपने मुद्दे गिनाए, सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में जो है वो रोजगार है, बेरोजगारी है। ऐसे में सरकार कह रही है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के हमने रोजगार दिए और वही लाभ लो है इस बार भी जनता उठाएगी, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि रोजगार है ही नहीं, 2 लाख नौकरियां जो है सरकारी पद जो है खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस भरने का काम करेगी। वहीं ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस कर रही है लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। महिलाओं का, पहलवानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी मुद्दा हो, इन तमाम चीजों का किसानों को जो है अगर कांग्रेस साथ मिलाना चाहती है तो वहीं बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि हमने आपको फायदा दिया है, MSP की गारंटी दी है और भी आपको जो है किसानों को सम्मान निधि से लेकर तमाम योजनाओं का लाभ बीजेपी ने दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको दोनों पार्टियां बुना रही हैं। चाहे बीजेपी हो वो अपने कामों को गिना रही है और कांग्रेस कह रही है कि ये काम नहीं हुए, हम सरकार में आते हैं तो इनको आसानी से किसानों के लिए, रोजगार के लिए, चाहे इन चीजों के लिए देने का काम करेंगे। ये मेन मुद्दे हैं शीतल और इन्हीं पर जो है चुनाव अभी कहीं ना कहीं अटका हुआ है। हालांकि जो कांग्रेस और इसमें शामिल कर रही है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है प्रॉपर्टी ID। हमारे हरियाणा में जो सरकार की ओर से एक योजना लाई गई थी जिसमें अगर किसी व्यक्ति की जो है मकान है, दुकान है, उसकी एक प्रॉपर्टी ID बनेगी और अगर एक व्यक्ति के पास अधिक प्रॉपर्टी है तो फिर उन तमाम चीजों का जिक्र एक ID में होगा और इससे उसकी आय का जानकारी होगी। इन चीजों से लोग परेशान हो गए थे। ऐसे ही एक पहचान परिवार पत्र बनाया गया था जिससे ये तय होता है कि आदमी के घर में कितना
परिवार में लोग हैं और उसकी कितनी आय है, और इसको बनवाने के लिए लोगों को जो है चक्कर दफ्तरों के काटने पड़े, और ऐसे में बहुत सारी गड़बड़ियां बिल्कुल उसमें हुई, संदीप, इसमें लोगों के परिवार। आपने किसान और पहलवान की बात की, जो मुद्दा सुर्खियों में पिछले सालों में रहा है और बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रही है, क्या वो एक्चुअल में वो मुद्दे थे, जमीन पर थे, ग्राउंड पर थे, या बीजेपी कह रही है कि वो राजनीति से प्रेरित मुद्दे थे, यानी पॉलिटिकल बैग्ड मुद्दे थे, वो राजनीति के लिए किए जा रहे थे, क्या वाकई में उन मुद्दों का असर देखने को मिलेगा, इसका प्रभाव मिलेगा, या फिर बीजेपी को कोई खतरा नहीं उन मुद्दों से? देखिए, हालांकि बीजेपी ये जरूर कहती हुई नजर आई कि ये पॉलिटिकल मुद्दे को बनाया गया है, ये कांग्रेस के बहकावे में आकर कुछ लोग जो है प्रदर्शन उन्होंने किया, लेकिन किसानों को फायदा बीजेपी ने पहुंचाया है। लेकिन आज स्थिति हरियाणा में ये है कि बीजेपी के बहुत सारे नेताओं की एंट्री उन गाँव में नहीं हो पाई जहां पर किसानों का दबदबा था या फिर उनका विरोध था, तो ऐसे में इसका असर बिल्कुल जो है बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। और ऐसे में जो ये अंदाजा लगाया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि इस बार वोट प्रतिशत कम होगा, लेकिन कितना कम होगा यह अभी कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी जरूर कह रही है कि तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनेगी। बहुत चुनौतीपूर्ण है क्योंकि 10 साल के एंटी इनकंबेंसी, सबसे बड़ा मुद्दा किसान का हो, बेरोजगारी का हो, पहलवानों का हो, पहलवान अब चुनाव मैदान में है, बीजेपी को जो है पटकनी देने का काम करने की बात कह रहे हैं, विरोध हो रहा है, महिलाओं पहलवानों की जिक्र करें, चाहे किसानों का जो दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था वो एक पूरा मुद्दा इस बार जो है हरियाणा में किसानों को जो है साथ दे रहा है। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, और इनसे उलट यदि सरकार बनाती है तो सरकार बीजेपी की जो है बनेगी, तो समझा जा सकता है कि ये सारे मुद्दे जो है झूठे थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप ये जानकारी साझा करने के लिए। संदीप हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने ये जानकारी दी कि क्या अभी तक समीकरण हरियाणा के अंदर बन रहे हैं, कौन से मुद्दे जो सभी राजनीतिक दलों के सामने एक चुनौती के तौर पर है बीजेपी